नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। बिग बॉस ओटीटी इस बार पहले से ज़्यादा दर्शकों के लिए एक्साइटमेंट लेकर आया है। बिग बॉस ओटीटी में जमकर धमाल मच रहा है। पहले दिन से शो के कंटेस्टेंट एक दूसरे से टकराने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है और इसके बाद घर में एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। बिग बॉस का घर शुरू से ही अपने हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए मशहूर रहा है। बिग बॉस ओटीटी में भी ऐसी ही जमकर लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल के बीच अंडरगारमेंट्स को लेकर लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई पर बिग बॉस की पूर्व विजेता गौहर खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि नेहा भसीन ने अपना अंडरगारमेंट सिंह में छोड़ दिया था और दिव्या ने इस पर नेहा से सवाल कर दिए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। अब इस पर फैंस भी दो हिस्सों में बट गए हैं। एक तरफ कुछ लोग नेहा को अपना समर्थन दिखा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग दिव्या को सही ठहरा रहे हैं। अब इस पर अभिनेत्री गौहर खान ने भी इस मामले में नेहा को अपना समर्थन दिखाया और दिव्या को फटकार लगाई है। हालांकि दिव्या को ट्रोल करना गौहर के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि दिव्या के फैंस ने उन्हें खरी खोटी सुना दी है। गौहर ने लिखा, पहली बार बिना धुले अपने अंडरगारमेंट्स छोड़ देना एक गलती है। एक लड़की होते हुए आप कैसे इसे दूसरी लड़की के लिए इतना शर्मनाक बना सकती हैं? इसे गलत बताना और दुनिया के सामने इन निजी बातों का तमाशा बनाना बेहद दुख की बात है। अब गौहर के ऐसा कमेंट करते ही दिव्या के समर्थक गौहर को ट्रोल करने लगे हैं। बता दें कि शो के होस्ट करण जौहर भी कई बार दिव्या को फटकार लगाते हुए नजर आ चुके हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।